दोस्तों, आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट चिकन और किचन का भी जो रंगत है वो चेंज आपको दिखेगी, क्योंकि एक्चुअली ये मेरे जिम की किचन है और अब घर पे मैं चिकन नहीं बना रहा हूँ। अभी इस समय आप जैसा जानते हैं कि पितर पक्ष वगैरह चल रहे हैं, इस वजह से घर पे मेरे बैंड कर दिया गया है चिकन बनाने के लिए, मना किया गया कि नहीं बना सकते। तो मैंने क्या किया, अपना सिलेंडर चूल्हा वगैरह लेकर के मैं यहाँ आ गया और अपनी डाइट की तो पूर्ति करनी है, तो फिर मैंने यहाँ पर चालू कर दिया। अभी इंस्टेंट चिकन का क्या मतलब है कि हमें किस घर के किसी भी सदस्य की कोई भी मदद नहीं लेनी है और ये चिकन ऐसे बनेगा और बड़ा टेस्टी बनेगा। तो मैंने सबसे पहले चिकन को धोया है और धोने के बाद चिकन ब्रेस्ट को धोया और धोने के बाद मैंने क्या किया है, उसको बॉइल होने के लिए उसपे कुकर पे चढ़ा के रखा हुआ है। कुकर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए कुकर आपको दिख रहा होगा है और इसपे बॉइल हो रहा है चिकन। चिकन जो है वो बॉइल हो रहा है, सिंपल है ना, मैंने इसमें नमक डाला है, कुछ नहीं डाला, केवल इसको मैं बॉइल ही कर रहा हूँ, बॉइल कर रहा हूँ और लगभग मेरा ये चिकन जो है वो बॉइल हो गया है और बहुत ही कम समय में 15 मिनट में चिकन आपका तैयार होगा और खाने में भी लाजवाब लगेगा। अक्सर होता क्या, हम लोग डाइट जब फॉलो करने जाते हैं ना तो इंसान कहता है बॉइल्ड चिकन खाओ, और बॉइल्ड चिकन आप शुरुआत में खाते हो ना तो शुरुआत में तो आप किसी तरीके से खा लेते हो, उसके बाद आपका क्या होता है ना, चिकन धंसना बंद हो जाता है, आप चिकन नहीं खा पाते किसी भी तरीके से। तो बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को मैं बता रहा हूँ चिकन का, जिसको आप अगर आप बनाना चाहोगे खाना चाहोगे तो आप घर के किसी भी सदस्य की मदद भी नहीं लोगे और आपका चिकन तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने प्रोटीन डाइट की पूर्ति कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, देखिए मेरे पास है मैगी मसाला है मेरे पास, और बस मुझे चिकन निकालना है और चिकन में ये मैगी मसाला डाल देना है। अपना चिकन जो है तैयार है और ये पनीर मैंने ली, क्योंकि आप कोई भी मेरे पास प्लेट वगैरह नहीं है, बर्तन नहीं है जिसमें मैं उसको रखूं, तो मैं इस पन्नी में चिकन को डालूंगा। कितना डालूंगा, जितना मुझे खाना होगा, यानी कम से कम 150 ग्राम के आसपास चिकन मैं इस पे डालूंगा, 150 से 200 ग्राम चिकन मैं इस पे डालूंगा। आपके पास अगर कोई बर्तन है, अगर आप बना रहे हैं तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो आप तो बर्तन में डाल सकते हैं। अभी मेरे पास कोई बर्तन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरी परमानेंट किचन ये है, किचन मेरी परमानेंट घरवाली ही है और इसको जुगाड़ू व्यवस्था कहते हैं। जुगाड़ से के घर वालों की नजरों से बच करके ये काम कैसे करने हैं वो आप कर सकते हो। जब कुछ लोग होते नहीं मार्केट में जाके खा लेंगे, लेकिन यार मालूम है मार्केट में कैसा खिला रहा है आपको नहीं मालूम। तो ये देखिए मैंने इसमें से मैगी मसाला लिया और मैंने इसमें डालना चालू किया, बस कितना डालना, थोड़ा डालना, दो चुटकी डालने बहुत है, दो चुटकी मैंने डाला है, बस हो गया मेरा काम और मेरा चिकन जो है वो रेडी खाने के लिए मैं तैयार हूँ। और इधर भी मेरा चिकन पूरा कंप्लीट तैयार हो चुका है, टेंशन की कोई बात नहीं, मैं हूँ, सारे काम आपके आसान करूंगा, आपके ऑर्गन भी अच्छे रहेंगे और आपके मसल्स भी अच्छे रहेंगे, ठीक है। मैंने ऐसे पन्नी को देखी, मैं ऐसे खिला रहा हूँ ताकि ये जो मसाला है पूरा इस पे लग जाए अच्छे से। तो लगभग ये मान के चलिए कि मेरा 200 ग्राम के आसपास चिकन, तो फर्स्ट क्लास मेरा चिकन तैयार हो गया। अगर आप कहीं जाएंगे तो ये 200 ग्राम चिकन आपको काफी कॉस्टली पड़ेगा। अभी चिकन की कीमत मार्केट में 220 से लेकर 240 के बीच में चल रही है। अगर आप चिकन लेके आते हैं तो आधा किलो आपको चिकन 120 के आसपास पड़ेगा, ठीक है। और 250 ग्राम अगर आप किसी का लेंगे तो 100 रुपए का बॉइल देगा, उसमें भी उल्टा सीधा ऑयल उसमें पड़ा रहेगा, मसाले पड़े रहेंगे, उसमें मजा नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, दो चुटकी केवल मैंने डाला है। कोई ये कह सकता है कि ये मैगी मसाला इस पर डाला है तो नुकसान नहीं, मैं जब भी ओट्स वगैरह खाता हूँ तो ग्रीन वेजिटेबल में मेरे ये मैगी मसाला ही डलता है, ताकि मैं अपनी डाइट को रेगुलर बना के रख सकूं। क्योंकि अगर मेरे मुंह में टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि कुछ भी मैं खा रहा हूं तो उसमें टेस्ट भी आना चाहिए, अगर टेस्ट नहीं आया तो फिर मैं उसको नहीं खाऊंगा।
ठीक है, तो टेस्ट आना जरूरी है, इसलिए लगातार लंबी डाइट 3 महीने की, 4 महीने की, 5 महीने की फॉलो करनी। कैसे फॉलो करेंगे? ऐसे ही फॉलो कर पाएंगे अगर आप बिल्कुल सादा इसको खाएंगे बॉइल्ड करने के बाद, तो कुछ लोग तो खा भी लेते हैं भाई, मेरे से नहीं जाता, ठीक है। तो मैंने इसका नया तरीका निकाला है कि आपको कुछ नहीं करना है। पहले मैंने आपको बताया, आपने ग्रिल्ड चिकन वगैरह में इतना बताया कि आप ग्रिल्ड कर लो, आपको तवा चिकन बताया कि वो कर लो, उसमें लहसुन प्याज अदरक नमक मिर्चा और धनिया वगैरह डालना है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल उबालना है। उबालने के बाद आपको केवल मैगी मसाला डाल देना है और दोस्तों इतना लाजवाब टेस्ट आएगा कि आप कहोगे कि हाँ यार मजा आ गया, मतलब किसी भी तरीके से बैड नहीं है, बहुत अच्छा है, बॉइल्ड है, तो इस तरीके से आप अपनी शर्तें पूरी कर सकते हो। और देखते रहो मेरी वीडियो लगातार, और अब कंपटीशन का माहौल है, कंपटीशन जो है मेरा दिसंबर में होना है। समय मेरे को हमेशा चैलेंज देता चला आ रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि जब मैं पहली बार चेन्नई खेलने गया था तो उस समय मैं अक्टूबर में अपनी एक्सरसाइज को चालू करता हूँ और मार्च तक मेरी, दिसंबर तक मेरी फिजिक जो है वो निखर के आती है, जनवरी फरवरी फिर मार्च, मार्च में और अच्छी हो जाती है। लेकिन अभी समय क्या कह रहा है, समय सब कुछ उल्टा फुल्टा करने में लगा हुआ है। इससे पहले पिछला कंपटीशन मैंने जो खेलने गया उसमें समय दिसंबर में मेरा कंपटीशन हुआ जिससे मेरे को 3 महीने कम मिले, और इस बार जो कंपटीशन हो रहा है उसमें मेरे को समय ही नहीं दिया। जाओ ऐसा करो, अक्टूबर में चालू होगी, अक्टूबर में कंपटीशन हो जाएगा। अब चैलेंज यही है, समय चैलेंज देता है, जरूरी है। अगर आप सच्चे खिलाड़ी हो, ईमानदार खिलाड़ी हो, तो आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। अगर हार भी हो जाए तो कोई तकलीफ की बात नहीं, क्योंकि आपका कंपटीशन आपसे ही है। कभी भी जीतने के लिए मत खेलिए, कुछ सीखने के लिए खेलिए, आपके अंदर हिम्मत बनी रहेगी, ताकत बनी रहेगी, अगली बार जब आएंगे तो और ऊर्जावान होकर आएंगे और लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये जिंदगी एक फाइट है, करते रहिए, बाउंस बैक मारते रहिए। धन्यवाद।